हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मियोटिक एरर या नॉन डिसजंक्शन। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, फिर इसके बाद इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें जो वर्ड मियोटिक है ना, ये मियोटिक वर्ड मियोसिस से बिलोंग करता है, मियोसिस के रिलेटेड है। एरर का आपको मतलब है कि किसी चीज के अंदर फॉल्ट आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना। इसका मतलब है कि जो आपने प्रीवियस लेक्चर में मियोसिस वाला टॉपिक पढ़ा ना, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर आया है। अब वो डिसऑर्डर क्या है ये भी देखते हैं। उसके बाद इसको हम नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं। ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में मिलना। ये ग्रीक या लेटिन वर्ड जो है जेंक्री, शायद इस तरह का कोई वर्ड था जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में कनेक्ट करना, आपस में मिलना। जंक्शन अक्सर आपने रेलवे जंक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि रेलवे जंक्शन जो होते हैं, एक ये ट्रेन की पटरी आ रही है, आगे से एक इस साइड पे निकल जाए, एक इस साइड पे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे हमारे पास जो है डिविजन्स के वक्त, जब मियोसिस का प्रोसेस होता है उसमें जब डिविजन्स होती है, उस डिविजन्स में अगर कोई एरर आ जाए तो उसको हम कहते हैं मियोटिक एरर या नॉन डिसजंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता जाऊँ कि स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन की एक बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब ये डिवाइड करते हैं तो इससे आगे जो सेल बनेंगे उसमें 23 क्रोमोसोम आते हैं। इसका मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम जो है होती है, हाफ क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है, ये हुई मियोसिस। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यही जो सेल है, इस सेल की जब हो डिविजन्स, इस सेल से नेक्स्ट बन जाए दो सेल जिनको हम बोलते हैं डॉटर सेल, काबिले गौर बात। इससे जो डॉटर सेल बनेगा उसमें क्या है कि एक में आ जाए 24 और एक में आ जाए 22। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, हालांकि दोनों में 23 आने चाहिए थे लेकिन एक में 24 आ गए हैं, दूसरे में 22 आ गए हैं। ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम है ना, इसी को हम कहते हैं मियोटिक एरर, और इसको हम ऐसे स्टार से शो करते हैं। ये इसका साइन भी याद रखना है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जिधर स्टार आ गया है इसका मतलब है यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और ये मियोटिक एरर है या नॉन डिसजंक्शन है। अब मेरी बात सुनिए स्टूडेंट, आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है इससे बनते हैं गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशंस होती हैं। वो जो गैमेट हैं उसके अंदर स्पर्म भी आ जाएगा और स्पर्म के साथ एग भी आ जाएगा। अब देखिए एक बात है, स्पर्म और एग जब आपस में दोनों ही फ्यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में बनती है जाइगोट, और जाइगोट ह्यूमन के केस में जो पहला सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब है 23 जो हैं वो आ रहे हैं स्पर्म लेके, क्रोमोसोम आ रहा है, और 23 कौन लेके आ रहा है, एग। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है जाइगोट। अगर 23 एग जो है स्पर्म लेके आए, एग जो है 23, और स्पर्म एग जो 23 क्रोमोसोम लेके आए और जो स्पर्म है ये लेके आए 24, मतलब ये वाला स्पर्म आ जाए, तो आगे 46 की बजाय हमारे पास जो जाइगोट बनेगा वो 47 क्रोमोसोम वाला बनेगा। तो वो जब 47 वाला हमारे पास बनेगा तो उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। इसका मतलब है मियोटिक एरर या नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में जो जाइगोट एबनॉर्मल बनते हैं उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उनको हम बोलते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, जस्ट एक ही डिजीज़ नहीं होती, बेशुमार डिजीज़ जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है जी। तो एक चीज़ यहाँ पे ना मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो ज़रा गौर से सुननी है आपने। ठीक है,
तीन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। एक है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के साथ दूसरा है डाइप्लॉइड, और डाइप्लॉइड के साथ तीसरा है ट्राइप्लॉइड्स। इनको सारों को जरा गौर से सुनना है ये क्या है। देखें जी, मुझे ये बताएं कि आपकी बॉडी के अंदर एक स्पर्म में कितने क्रोमोसोम हैं? 23। कितने हैं? 23। इसको हम बोलेंगे वन सेट। क्या बोलते हैं? वन सेट। स्पर्म में 23 हैं, एग में, एग की बात करें उसमें भी 23 हैं, तो इसका मतलब स्पर्म के अंदर वन सेट है। तो वन सेट को हम जो शो करते हैं ना, वो करते हैं एन से, एन से। ठीक है जी। अब अगली बात, वन सेट स्पर्म, वन सेट एग। जब दोनों के दो सेट आपस में मिलके जाइगोट के अंदर आते हैं, तो अब बताएं एक सेट है या दो सेट है? दो सेट। तो आप उसको, आपको पता है कि उसको हम 2n से शो करते हैं। समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम को हम किससे शो करते हैं? 2n से। और 46 के बाद अगर एक क्रोमोसोम और आ जाए, तो मुझे ये बताएं वो इन सेट का नहीं, वो तीसरे सेट का है। जब तीसरे सेट का आता है, तो उसको हम ट्राईप्लाइड या 3n से शो करते हैं। बीएससी के अंदर ना हम इसको ट्राईप्लाइड, पोलीप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी, यूप्लाइडी, ये डिफरेंट हम टर्म्स जो हैं वो मियाटिक डिसऑर्डर के अंदर बताते हैं। तो अभी जस्ट आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है। 23 एक सेट है तो एन, दूसरा 23 वाला सेट जब दोनों मिलेंगे तो 2n, टोटल मिलके कितने हो गए? 46। अगर एक और एक्स्ट्रा आ जाए, वो एक्स्ट्रा कैसे आएगा? मियोटिक डिसऑर्डर की वजह से, जो मैंने यहाँ पे बताया कि जब एग या स्पर्म की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मियोसिस के जरिए होती है, तो जब क्रोमोसोम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, वो उन 2n के सेट में से नहीं आएगा, वो तीसरे सेट में से आएगा। वो जो तीसरे सेट में से आता है, उसी को ही हम बेसिकली फिर हम क्या कहते हैं? ट्राईप्लाइड या ट्राइसोमी भी कहते हैं। ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब फिर ये हो गया। अब मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम है 23, ये एन है या 2n? एन, शाबाश। ये भी क्या है? एन। अगर इसमें, अब ये देखें, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर एक क्रोमोसोम मिस हो गया और इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इस कुछ इसमें एक्स्ट्रा आ गया उसको n+1 लिख देंगे, जिसमें कम हो गया उसको n-1 लिख देंगे। समझ आ रही है? इस तरह आपने जो है, ये देखें, सेट में एक क्रोमोसोम ज़्यादा है, ये जो है सेट में से एक क्रोमोसोम कम है। जाइगोट होगा तो उसमें आपने 2n शो कर देना है, क्योंकि उसमें दो सेट पूरे हैं। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी मियोटिक एरर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, के मियोटिक एरर क्या होता है, ये कैसे पैदा होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर ना एक क्रोमोसोम की इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी बॉडी एबनॉर्मल हो जाएगी, आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पाती। वो मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिसमें ग्रुप ऑफ डिजीजेस आती हैं। पहली तो बात ये कि जब भी जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम या ज्यादा या कम हो जाए, तो मैक्सिमम चांस है कि वो जाइगोट सर्वाइव ही नहीं कर पाता फीमेल की बॉडी के अंदर, वो उसका एबॉर्शन हो जाएगा, वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा, या फिर उसकी बर्थ के वक्त डेथ हो जाएगी। बहुत कम चांस हैं वो जो बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं और बाद में सर्वाइव करते हैं। पैदा भी हूँ तो आफ्टर 10 ईयर, 15 ईयर्स, इन केस ऑफ टीन एज उनकी डेथ हो जाती है। बहुत से ऐसे हैं जो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार लोगों के अंदर जो है ये बनते हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं। एक छोटी सी बात है, हम अक्सर कहते हैं कि वो जो ऊपर कुदरत बैठी हुई है, उसने हर चीज़ का बैलेंस किया हुआ है, उसने हर चीज़ को सेट किया है। एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बेबी की 7 मंथ में जाके 9 मंथ में या 8 मंथ में उसका अबॉर्शन हो जाता है, वो बड़ी परेशान होती है, वो मतलब कि बहुत रोती है। हो सकता है वो उसमें सिंड्रोम हो, उसमें मियोटिक डिसऑर्डर हो, वो बच्चा पैदा हो जाए, वो बेचारा चारपाई से उठ ही नहीं सकता हो, सारी ज़िंदगी आपको भी अजाब बन जाएगा उसका, उसको आपने संभालना है, एक बंदा बाकायदा चाहिए। तो इसलिए अल्लाह का जो फैसला होता है ना, उस पर आपको हर वक्त आमीन कहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर आपको एक नए जज्बे के साथ
लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो पहला हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये एक साइंटिस्ट था, इंग्लैंड से बिलोंग करता था, उसका नेम डाउन था। उसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर्ड किया और उसने अपने नेम पे इसका नेम रखा। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। आपकी बॉडी में ना दो तरह के क्रोमोसोम हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम के बाद कुछ ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम हैं, इनमें फ़र्क ज़रा देख लें। जाइगोट या एक सेल, इंसान के एक सेल की बात कर लें तो उसमें 46 क्रोमोसोम है ना। आपको पता है कि जो 46 क्रोमोसोम है, जो लास्ट वाला 23 वाला पेयर, मीन के क्रोमोसोम नंबर 45 और 46, मेल के केस में एक्स वाई होता है और फीमेल के केस में एक्स एक्स होता है। इन दोनों क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये दोनों ही क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम हैं और ये बॉडी के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और बाकी जो 44 क्रोमोसोम हैं वो बॉडी के बाकी पार्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेल के अंदर स्पर्म बनना, ये सेक्स क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन बनना, फीमेल की बॉडी के अंदर बनना, मेल में ये जो बियर्ड दाढ़ी का आना, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर या प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टर की बात आपकी बॉडी में कर लें, ये सारे सेक्स क्रोमोसोम का कमाल है। और बॉडी की हाइट, आपकी आई, आपके ईयर्स, आपका फेस, आपके लिप्स, ये सारे जितने भी आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं बनाता, ये ऑटोसोम बनाते हैं। ऑटोसोम इनको कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तो आपकी बॉडी में फिर दो तरह के क्रोमोसोम हो गए। इसका मतलब है कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जो ऑटोसोम की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होने से सिंड्रोम हो सकता है, कुछ ऐसी हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है, दोनों क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है, ऑटोसोम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से या सेक्स क्रोमोसोम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। तो पहला जो मैं सिंड्रोम बता रहा हूं, ये सेक्स क्रोमोसोम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से नहीं, ये ऑटोसोम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से होता है। ठीक है जी, तो इसको हम बात करते हैं। जो सबसे पहला है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, डिस्कवर्ड किया था इंग्लिश साइंटिस्ट ने, ऑटोसोम, ऑटोसोमल सिंड्रोम है, मैंने पहले बता दिया। अब आप इसको देख लें, ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये इसमें वैसे तो आपको पता है जाइगोट के अंदर 2n क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम और ज़्यादा हो गया है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर एक क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2n है, तो प्लस एक क्रोमोसोम तीसरे सेट से आ गया, तो उसको हम ट्राइप्लाइडी या ट्राइसोमी कहते हैं। ये ट्राइसोमी है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद बताया था पिछले चैप्टर में कि मैं ट्राइसोमी का कॉन्सेप्ट आपको मियोटिक एरर के अंदर बताऊंगा, तो ये आज आ गया हमारा वो टॉपिक ट्राइसोमी वाला। तो एक तो ये बात है कि ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये डिपेंड करता है मदर की एज पे, कि मदर की एज कितनी है। अगर तो मदर टीनेज में है ना, मतलब 13 से 19 के दरमियान है मदर, तो उसमें बहुत कम चांस है कि उसमें डाउन सिंड्रोम बेबी पैदा हो। 1000 में से 1 चांस है, एमसीक्यू ये जहन में रखने हैं, अक्सर ये एंट्री टेस्ट वगैरह और फाइनल पेपर में आता है। उसके बाद जिसकी एज 40 ईयर्स है ना जिस मदर की, उसमें 100 में से एक बेबी का चांस है, और जिसकी 45 या 45 प्लस है, उसमें 100 में 3 चांस है बेबी के, कि 3% चांस है कि वो बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोम पैदा हो जाए। और अगली बात है कि ये डाउन सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम की वजह से नहीं होता, ये ऑटोसोम की वजह से होता है। और किस ऑटोसोम की वजह से? क्रोमोसोम नंबर 21 से, क्योंकि आपको पता है 23 वाला जो है, मतलब एक सेट की बात करें तो 23 वाला सेक्स होता है, और उधर से मदर से और फादर से दोनों में जो 23 वाला नंबर वाला क्रोमोसोम है, वो सेक्स क्रोमोसोम है। जब जाइगोट बन जाए तो कितने सेक्स क्रोमोसोम हो गए? 2। कौन कौन सा? 45 वाला और 46 वाला। जाइगोट में सेक्स, एमसीक्यू याद रखना है, जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम 45 और 46 नंबर वाला है, और गैमेट्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 23 नंबर वाला है, क्योंकि गैमेट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होते, 23 होते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसकी परसेंटेज बता दी। अब मैं बताता हूँ कि एक चीज़ और है, ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसको हम मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं। मंगोलिज्म क्यों? क्योंकि जो लोग मंगोलिया से बिलोंग करते हैं, आपने रशिया, ये जो रशिया की स्टेट्स टूटी हैं, आपने पढ़ा है हलाकू खान, चंगेज खान, ये जोजी खान, ये जितने भी खान थे वहाँ के जो लड़ते थे, जिनको शिकस्त हुई बाद में तुर्क बादशाहों से, वो
वो मंगोल से बिलोंग करते थे और वहाँ के लोगों को मंगोलिज्म्स, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। अब डाउन सिंड्रोम जिनको होता है ना, जिनको डाउन सिंड्रोम होगा उनकी शेप तकरीबन मंगोलिज्म से बिलोंग करती है, उनकी तरह की होती है। अब क्वेश्चन ये है कि जिस बेबी को डाउन सिंड्रोम है उसकी शेप किस तरह की होगी। तो मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं। पहली बात है कि उनका जो माउथ है वो फ्लैट ब्रॉड फेस होगा। एक तो उनका मुंह जो है वो बिल्कुल तकरीबन फ्लैट होता है और चौड़ा होता है। उनकी आई सेक्वेंट है, आपने भींगापन सुना होगा कि एक बेबी देख इधर रहा है, मतलब सामने देख रहा है, और उसके आई जो है ब्लैक कलर का, ये जो कॉर्निया और ये स्पॉट जो है ये ऐसे उसको नजर आता है, ये भींगापन इसको हम कहते हैं। सेक्वेंट आईज है, स्मॉल साइज की हैं। एक तो स्मॉल साइज की, ब्रॉड फेस, फ्लैट, उसके बाद जो है उसकी स्किन कॉर्नर, अगर आप उसके आय देखें ना इधर से ऐसे अंदर को मर्ज सी हुई होती हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास उनकी ज़ुबान, ये बाज़ार वगैरह में अक्सर जाए ना तो हमें कुछ ये जो पागल जिनको हम कहते हैं वो बेचारे वो मेंटली रिटार्ड हैं, उनका ब्रेन इतना ग्रो नहीं कर पा रहा होता, उनको उनकी ज़ुबान बाहर को निकली होती है और ऐसे लटक रही होती है, प्रोट्रूडिंग टंग। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स, ये कि उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। क्योंकि मैं प्रीवियस मलेकुलर जेनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छी तरह बताया था, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड के अंदर, कि आपकी बॉडी में ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन जीन, इफ एनी बॉडी टू हिट द एक्सरे एंड सम अदर म्यूटेजेंस टू अटैक ऑन दीज बॉडीज एंड चेंज द जीन्स एट बेस अपॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एज वेल एज पॉइंट म्यूटेशन, देन डोंट प्रोड्यूस द नॉर्मल प्रोटीन इन दिस बॉडी। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास जो है एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया। जब एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा तो उससे भी बॉडी के फंक्शन नॉर्मल नहीं रहेंगे, तो उसमें फिर ये हमारे पास डाउन सिंड्रोम बनेगा। तो ये जो मैंने एमसीक्यूज याद रखना है कि किस क्रोमोसोम की इंक्रीज होने की वजह से बना था, क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से, और ये ऑटोसोमल सिंड्रोम है और ये डाउन साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, इंग्लैंड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये भी एक साइंटिस्ट था, क्लाइनफिल्टर जर्मन से बिलोंग करता है, उसने अपने नेम पर सिंड्रोम का नाम रखा। अब ये देख लीजिए इसमें भी क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखें, ये जो सिंड्रोम डाउन है ना, ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल दोनों में, क्योंकि ये ऑटोसोमल 21 क्रोमोसोम है, मेल में भी 21 होता है, फीमेल में भी होता है, दोनों में इंक्रीज या इंक्रीज होने से ये हो सकता है, ठीक है। अगला क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है ना, इसको जरा आपने देखना है, ये मेल के अंदर होता है। सुने कैसे? आपको पता है कि मेल की बॉडी के अंदर जो 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है, और 45 और 46 वाला वो उसका सेक्स क्रोमोसोम है। एक मेल है, उसकी बॉडी में 44 है ऑटोसोम, 45 एक्स और 46 वाई। ये तो मेल नॉर्मल का सेटअप है। अगर हम एक नॉर्मल मेल की कैरियोटाइप को देखें या जनरल उसका सेटअप देखें जेनेटिक्स में, तो ये है। अगर ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें एक एक्स क्रोमोसोम वेरी इंक्रीज कर दिया जाए तो क्रोमोसोम बन जाएंगे 47, एक और कर दिया जाए तो 48, एक और कर दिया जाए तो 49। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेल था इसकी बॉडी के अंदर एक्स क्रोमोसोम की इंक्रीजिंग हुई है। वो इंक्रीज क्यों हुआ? वो यहाँ पे जब उसमें मियोसिस हो रही थी तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये स्पर्म है, इस स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, ये एग है इसके अंदर 24 क्रोमोसोम है। फीमेल में आपको पता है एक्स, दो एक्स फीमेल से आ गए, इधर से वाई आ गया, जब दोनों आपस में मिले तो जो जाइगोट बना ना, जाइगोट में 46 के बजाय कितने हैं, 47, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेक्स आया इसकी वजह से जो इसमें अब प्रॉब्लम्स आएंगी उससे इसको हम कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दिखने में फिनोटिपिकली ये मेल है, दिखने में आपको ये बिल्कुल मेल लगता है लेकिन ये मेल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। ये जितने भी हम शीमेल ये बाजार में जाएं तो हमें मिलते हैं, एक जितने भी मेरे स्टूडेंट ये देख रहे हैं ना, एक चीज़ मैं आपको नसीहत करता हूँ, कभी भी इनको तंग ना किया करें।
ये जमाने के दुखे हुए लोग हैं, इनको घर से भी निकाल दिया जाता है, इनको जमाना भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये बताएं इनका कसूर क्या है बेचारों का। यार वो वालिदा या वो वालिद जिन्होंने इसको जन्म दिया होता है वो ही नहीं एक्सेप्ट करते, तो जमाना फिर इनके ऊपर कितने सितम करेगा। किसी के घर में आए इनको मजाक, बाजार में गुजरे इनको मजाक, तो बुरी बात है ये, ठीक है। इनको कभी भी तंग ना करें और कोशिश करें कि इनकी आप हेल्प करें अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। ये जो शीमेल है अगर आप उसको देखें, इनकी अब देखें दिखने में ये मेल है लेकिन इनकी ब्रेस्ट का साइज बड़ा है। आप बाजार में जब जाएं, ये बाजार में जब गुजरते हैं तो एक दिखने में वो आपको मेल है, उसने इधर से शेप क्लीन शेप की हुई है लेकिन उसकी ब्रेस्ट जो है वो साइज में बड़ी है। ये जो उसकी ब्रेस्ट बड़ी है ये मेल का सिम्टम्स तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब फिर देखें ना, लेट्स सपोज अगर मैं हूं, मेरी बॉडी के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई है दोनों ही, अगर बॉडी में एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता तो इसका मतलब है वो दो एक्स क्रोमोसोम होते दोनों जब मतलब अपना फंक्शन प्ले करते तो वो वाई के ऊपर जो है ना वाई को प्रॉपर फंक्शन करने देते ना आप खुद प्रॉपर एक्सप्रेस होते, तो दोनों का इंटरमीडिएट सा बन जाना था, ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। तो और इनकी हाइट जो है वो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा होती है, अक्सर आपने ये शीमेल देखे होंगे बड़े बड़े हाइट के होते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद एक और चीज़ है, इनकी बॉडी के अंदर स्मॉल टेस्टिस हैं, टेस्टिकल भी होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, बिल्कुल स्मॉल साइज के, ठीक है। टेस्टिकल बिल्कुल स्मॉल साइज के हैं, उनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती। इनका पीनस भी है, इनका जो पीनस है ना वो इजैकुलेशन नहीं करता, वो स्पर्म इजैकुलेट नहीं कर सकता। इसका मतलब है बाकी दिखने में वो, जब ये बच्चे पैदा होते हैं ना तो उस वक्त नहीं पता चलता कि ये इनको सिंड्रोम है या नहीं। देखिए ना, अब एक बेबी पैदा हुआ है जो उसकी ब्रेस्ट का साइज है वो तो वक्त के बाद पता चलेगा ना, जब वो 11-12 इन स्टार्ट टीनेज में जाके पता चलेगा कि उसकी ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है या नहीं। स्टार्ट में उसमें टेस्टिकल्स हैं, उसमें स्मॉल साइज पीनस है, तो बेबी का पता नहीं चलता कि ये क्या है, वो नॉर्मल उसकी जो है वो केयर की जाती है घर में। लेकिन जो वो बड़ा होता है जब उसमें ब्रेस्ट साइज बढ़ना स्टार्ट होता है तो फिर हम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती और वो बेचारे बाहर जो है आप अपनी एक नई दुनिया बसा लेते हैं जाकर, ठीक है। उसके बाद स्पर्म इंजेक्शन इजैकुलेशंस नहीं है उनमें, वो मतलब के प्रॉपर जो है स्पर्म प्रोडक्शंस। उसके बाद अंडर डेवलप सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, उनकी बॉडी के अंदर ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं, अब दो तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो ये होते हैं कि बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन का बढ़ना, क्योंकि वो जब बंदा पैदा ही होता है उसी वक्त वो सेक्स ऑर्गन उसके अंदर मौजूद हैं, फीमेल है उसकी बॉडी में वजाइना है, मेल है तो उसकी बॉडी में टेस्टिकल हैं और जो है इसके साथ पीनस है, लेकिन ये प्राइमरी हैं वक़्त के साथ, अब उन्होंने फंक्शनल होना है। अगर फीमेल है तो उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनेगा, एग बनेगा, और फिर उसके बाद जो है उसकी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ेगा। ये जो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है या उसके अंदर एग प्रोडक्शन होती है ये उसके फिर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर में आ जाता है। जैसा कि जो फीमेल है उसकी ओवाइस बारीक हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनता है, मेल की वक़्त के साथ वॉइस जो है वो बारी होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, उसकी बियर्ड आ जाती है, मूंछें आ जाती हैं, या इसके अलावा जो है और आप क्या कह सकते हैं, बॉडी के ऊपर पूरी बॉडी पे बाल आ जाते हैं फीमेल की निस्बत, जो है फीमेल की बॉडी में वो कम बनते हैं, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो वो सेम ही है, जस्ट सेक्स ऑर्गन का डिफरेंस है, बाकी तकरीबन सेम है, ठीक है जी। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अंडर डेवलप होते हैं। तो ये था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली होता है फीमेल के अंदर, ये दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल में, क्योंकि ये ऑटोसोम की वजह से है। ये जस्ट मेल में होता है क्योंकि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा एक्स आता है। ये फीमेल में होता है क्योंकि आपको पता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम एक्स हैं। सुने जी, टर्नर भी एक साइंटिस्ट था, अमेरिका से बिलोंग करता था, उसने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर काम किया। इसमें क्या होता है, एक जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, 44 जो है ना उसमें है ऑटोसोम, और 45 और 46 वाला दोनों ही एक्स हैं। एक एक्स मिस हो जाए तो इसको हम एक्स ओ से भी ऐसे लिखते हैं। ये जो सिंड्रोम है इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये भी लोग सरवाइव नहीं करते,
ऐसी जो मदर्स जो ऐसे बेबी की फर्टिलाइजेशंस करवाती हैं, वो अबॉर्शन हो जाता है उसका, बॉडी के अंदर पेट से अबॉर्शन हो जाएगा या आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हो जाएगी। तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये डेवलप कर जाए, डेवलप करने के बाद इसकी बर्थ भी हो जाए, तो फिर इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पहला, शॉर्ट स्टेचर्स। एक नॉर्मल जो इंसान है उसकी हाइट से इसकी हाइट कम होती है, मतलब नॉर्मल इंसान की हाइट जो है 5 to 6 feet है एवरेज, तो इसकी हाइट जो है वो छोटी है। उसके बाद इसकी ये जो नेक है ना, ये ऐसे आपस में जुड़ी होती है, वेब्ड नेक। अक्सर आपने लोग देखे होंगे ऐसे, इस तरह जो है उनकी नेक होती है, आपस में जुड़ी हुई है, वेब्ड होती है, बाजार वगैरह में आपको मिलेंगे। उसके बाद इनकी इनकी बॉडी फीमेल है बट ओवरी नहीं है, इनकी बॉडी जो है ये फीमेल है, मैंने बताया एक्स एक्स एक एक्स क्रोमोसोम मिस हो जाता है, लेकिन इनकी बॉडी में ओवरी नहीं है। ओवरी नहीं है तो एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी तो जन्म नहीं देंगी। इसका मतलब ये फीमेल तो हैं बट ये एबनॉर्मल हैं। ऐसे लोग भी जो हैं वो बाद में माशरे की जो हैं जस्ट प्रॉब्लम को फेस करते हैं बेचारे, अल्लाह ताला इनको जो है अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो इनकी बॉडी के अंदर जर्म सेल नहीं बनते, जर्म्स हम एग को कहते हैं, तो वो बनते नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर ओवरी नहीं है। तो ये मेरे पास तीन सिंड्रोम थे जिनकी डिटेल थी, आगे कुछ सिंड्रोम हैं जिनके जस्ट नेम लिखे हैं, जैसा कि डाउन, मैंने पहले बता दिया कि डाउन क्या है, किसकी वजह से होता है। डाउन, पैच्यू एंड एडवर्ड, ये तीन सिंड्रोम हैं। एमसीक्यूज भी ये जहन में रखना है आपने कल को, फाइनल में भी और आगे। ये तीनों ही सिंड्रोम ऑटोसोमल हैं, तीनों ही सिंड्रोम जो हैं ये ऑटोसोमल होते हैं। एक क्रोमोसोम नंबर 21 से की वजह से होता है, एक 13 की वजह से और एक 18 की वजह से। टर्नर मैंने वैसे बता दिया, इसका मतलब ये तीनों मेल में भी हो सकते हैं और फीमेल में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। टर्नर जो है ये फीमेल में होता है एक एक्स क्रोमोसोम, मेटा फीमेल भी फीमेल में होता है क्योंकि फीमेल में 2x होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है। ये जो लास्ट वाले दोनों हैं, ये क्लाइनफिल्टर और जैकब, ये दोनों ही मेल में होते हैं, क्योंकि देखें एक्स और वाई मेल में है एक एक्स्ट्रा एक्स, एक्स और वाई मेल में है 2 एक्स्ट्रा एक्स, इसी तरह जैकब के अंदर एक्स वाई है एक एक्स्ट्रा वाई। तो एमसीक्यूज यहां पे बड़ा इंफॉर्मेटिव है कि वो कौन सा सिंड्रोम है जिसमें एक्स एक्स्ट्रा के बावजूद वाई एक्स्ट्रा हो जाता है, तो कौन सा है? जैकब। इसके चांस बहुत कम है, बहुत ज्यादा। और ये आपने जब लेक्चर लेना है ना, तो मुझे नीचे कमेंट्स करना है कि ये इसके चांस क्यों कम है और 2 वाई कैसे आएंगे। सुनना जरा मेरी बात को, देखें मदर से तो 2 एग आते हैं, दो मतलब मदर से तो आना ही एक्स है, वाई तो आना ही नहीं है। तो मेल के एक सेल के अंदर एक्स और वाई होता है, वहां से भी एक स्पर्म बनेगा, एक्स वाला दूसरा वाई वाला, तो ये 2 वाई कहाँ से आ गए? ये मुझे आपने आंसर बताना है इसका, ठीक है? कमेंट्स में फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो पहले एमसीक्यूज रखे, पहले 3 ऑटोसोम, अगले 2 फीमेल और अगले 2 मेल। आगे ना आपके जो टेबल है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कसरत किसी चीज़ की, किसी चीज़ का वकूअ पज़ीर होना। अगर आप फ्रीक्वेंसी को देख लें, फ्रीक्वेंसी ये आपने उसके अंदर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखें मैं आपको बताऊं, अगर कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताई थी एक टीनेज के अंदर डाउन सिंड्रोम की, क्या फ्रीक्वेंसी है 1000 में से 1 40 40 ईयर्स की खातून में क्या फ्रीक्वेंसी है 100 में से 1, और 45+ वाली में 100 में से 3, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह इन तमाम की फ्रीक्वेंसी, अबॉर्शन फ्रीक्वेंसी और बर्थ फ्रीक्वेंसी भी आपने याद रखना है। कुछ जगह पे ऐसे लिखा होगा यू का साइन, इसका मतलब है कि अभी इसकी फाइंड होनी है, इस पर रिसर्च हो रही है। कुछ जगह पे ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैकब की देख लें, जैकब की अगर अबॉर्शन फ्रीक्वेंसी ज़ीरो फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि ये इसका अबॉर्शन नहीं होता, जो इससे प्रेग्नेंट हो जाता है वो उसकी बर्थ होती है, या वो मर जाता है, या आफ्टर डेथ उसकी डेथ होती है, सॉरी आफ्टर डेथ वो जो है ख़त्म हो जाता है, या इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मियोटिक एरर्स का, जिसमें मैं काफ़ी कोशिश की आपको बताने की तमाम चीज़ों की, ताकि आपको इसका कलर हो। तो इसके बाद हम नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस पढ़ते हैं, हम अपनी वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज में के लिए थैंक यू।